तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई साहब मैचेस जो है ना वो आज हुए, आज हमें यहाँ पर देखने को मिला था हमारे साउदर्न पंजाब और केपीके का फाइनल देखने को मिला। उसके साथ साथ हमें आईपीएल का जो आज मैच देखने को मिला, व्हाट अन ब्यूटीफुल मैच, यानी कि इतना खूबसूरत मैच था, ऐसा लग रहा था जैसे वो फाइनल हो रहा है और ये नॉर्मल लीग मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको किसी की खास अच्छी परफॉर्मेंस इतनी देखने को नहीं मिली। शुएब मलिक ने जो है पहले बैटिंग की और उन्हें आखिर में आकर 4 ओवर्स में जो 74 रन उनकी टीम ने निकाले, शुएब मलिक ने जो है वो 50+ स्कोर किए, वो भी तेज तरीके से क्विक उन्होंने 50 स्कोर की। तो वेल डन शुएब मलिक। शुएब मलिक का ये कहा जा रहा था कि वो शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन शुएब मलिक खेले और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो ये जो फ़खर जमान की भी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, तो भाई इनके जो इन्होंने बंदे थे इन्होंने पूरा काम करी, जबकि इनके मुकाबले में ना शान मसूद चला ना सुहेब मकसूद चला, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा उनमें से कोई भी नहीं चला। चले तो कौन, सिर्फ थोड़ा बहुत खुशदिल शाह और हुसैन तलत ने कोशिश की, और आखिर में आकर जो इमरान, ओ हो क्या लड़के ने 4 छक्के मार दिए आखिर में, जब मैच को करीब ले गया, 10 रन से ही मैच हार गया, यानी बेइज्जती से बच गए। बट स्टिल अगर ये मैच साउदर्न पंजाब जीत जाती तो फिर ज़्यादा बेटर हमें लगता था। जबकि दूसरे मैच में जो आपको KXIP और यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस का जो मैच देखने को मिला, बहुत ही कांटेदार मैच था, बहुत ही कांटेदार। KL राहुल ने एक बार फिर से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 70+ स्कोर किया, जबकि मुंबई इंडियंस की तरफ से किसी ने भी इसके क्विंटन डिकॉक के अलावा किसी ने भी अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। जबकि आखिर में जब हमें सुपर ओवर देखने को मिला तो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में मुंबई इंडियंस के किसी भी बैट्समैन ने कुछ खास कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई और सिर्फ 5 रन किए। ये सुपर ओवर था, सिर्फ 5 रन के। उसके बाद फिर जब बारी आई यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, तो उनके ओपनिंग के लिए आए क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, और उन्होंने भी एग्जैक्टली 5 रन स्कोर किए, यानी कि सुपर ओवर भी टाई हो गया। उसके बाद जब दोबारा सुपर ओवर हुआ तो उसमें मज़ा आया, उसमें फिर थोड़ी बहुत हमें हाथापाई देखने को मिली। क्रिस जॉर्डन ने बॉलिंग की और जबकि कैरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या जो हैं वो आए बैटिंग के लिए, और वहाँ पर भी जो यानी कि समझ लें कि वो मैच अगर जीते ना तो सिर्फ इनकी वजह से जीते, क्योंकि वहाँ पर इतना खूबसूरत बाउंड्री पे 6 रन जा रहे थे, उसको आराम से मयंक अग्रवाल ने रोक के बॉल को जिस तरह अंदर फेंका, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग थी। फील्डिंग का जो लेवल है वो आईपीएल में तो आपको पता है हमेशा से बहुत ऊपर रहता है, और यहाँ हमारे नेशनल T20 कप में तो वैसे ही बदतरीन था। तो वेल्डन आईपीएल फील्डिंग जो है वो इनकी बहुत ही अच्छी गई, और इस तरह से 11 रन बन गए थे उनके सुपर ओवर में। उसके बाद जो दोबारा सुपर ओवर उसमें ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की, जबकि क्रिस्टोफर हेनरी गेल जो हमारे हैं यूनिवर्स बॉस, उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मार दिया। ये साबित किया कि भाई मैं 40-42 का हूँ तो क्या हुआ, बाल सफ़ेद हो गए तो क्या हुआ, कद थोड़ा वैसे ही है तो क्या हुआ, कमर झुक गई तो क्या हुआ, छक्का वो अब भी मार सकते हैं। तो भाई वेल्डन क्रिस गेल, वेल्डन जो है किंग्स इलेवन पंजाब प्रीति जिंटा को देख के तो मेरे मतलब वैसे ही इमोशनल हो गया था, मेरा दिल चाह रहा था कि ये जीत जाए, लेकिन चलो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन टू KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम, वो जो है चैंपियंस बन चुके हैं इस साल के नेशनल T20 कप के, जबकि वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन टू किंग्स इलेवन पंजाब, दे हैव वन द मैच, रियली डिजर्व्ड इट, यानी इतना खूबसूरत मैच जो है उन्होंने डिजर्व करते, जिस तरह से शामी ने बॉलिंग करके, जो मैं समझता हूँ क्रिस गेल की बैटिंग से ज़्यादा जो है मोहम्मद शामी की बॉलिंग ने इस मैच को जितवाया है। तो वेल्डन मोहम्मद शामी, वेल्डन क्रिस गेल, वेल्डन शुएब मलिक, वेल्डन मोहम्मद रिजवान, वेल्डन फ़खर जमान, एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि आज का जो मैच था वाकई हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिली क्रिकेट की वजह से। भाई ये क्रिकेट में अगर क्राउड होता ना, यकीन करो दोनों मैचों में तो बहुत मज़ा आना था। चले फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्योंकि इस तरह की जो मैं क्रिकेट की खबरें आपको देता रहूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।